हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काजल प्लान। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला है ग्रेट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी के बारे में। जानेंगे सारा इन्फॉर्मेशन, हम लोग जानेंगे इस कॉलेज के अंदर में कौन कौन सी कोर्सेस सब होती है, उस कोर्स की फी कितनी है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इस कोर्सेज के लिए। देन हम लोग जानेंगे एडमिशन प्रोसीजर क्या है, जॉब क्या है, प्लेसमेंट क्या होने वाला है इस कॉलेज के अंदर में। और एंड हम लोग जानेंगे इसमें एग्जामिनेशन फी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो हम लोग ग्रेट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी से रिलेटेड हम लोग सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। फ्रेंड्स, शुरू से लेकर आखिर तक बने रहो। तो फ्रेंड, ग्रेट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी के अंदर में जो शॉर्ट टर्म के कोर्सेज सब होते हैं वो सब होते हैं, जस्ट लाइक DNS होते हैं, GME होता है, ETO होता है और GP रेटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंड, इसके अंदर में जो मेनली जो प्रॉपर होता है, ये सबसे पहले तो ग्रेट एशियन एक कंपनी भी है और ग्रेट एशियन इसका कॉलेज भी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कोर्स की फी बता देता हूँ, ठीक है। तो DNS कोर्स का फी है 651,000 रुपया, ठीक है। ETO कोर्स का फी है 410,000 रुपया और GME का फी है 541,000 रुपया, ठीक है। और GP रेटिंग का फी है 550,000 रुपया। फ्रेंड्स, ये फी जो है वो अपडेट 2020 के हिसाब से बता रहा हूँ। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो 2021-2022 तो उस टाइम में फीस जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसके हिसाब से आपको डायरेक्ट कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करके वहाँ पे अपना अपडेट फीस पता कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में कॉलेज का वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो फिर इसमें डिपेंड करता है कोर्स पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस देखो, सबसे पहले 12 महीने का कोर्स जब होता है, इसके मिनिमम आपको 12th में 60% चाहिए PCM के अंदर में और आपको इंग्लिश के अंदर में मिनिमम 60% चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आपने BSc किया है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए होगा। अगर आपने BTech या फिर BE वगैरह किया है तो आपको सबसे पहले तो आपको जो फाइनल ईयर में जब आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आपने फाइनल जो सेमेस्टर क्वालिफाइड किया होगा तो आपका जो एक एवरेज परसेंटेज निकलेगा, चाहे वो BTech में जो भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है उसमें जो आपकी जो कोर्सेज होगी उसकी जो परसेंटेज है वो मिनिमम 50% आपका परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको इंग्लिश में एंड 50% 10th और 12th में मार्क्स होने चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोई कोर्स किया है तो, ठीक है। देन मैं आप लोग को बता दूँ कि फिजिकल और मेडिकल फिटनेस की बात की जाए तो यहाँ पर डिजी शिपिंग डॉक्टर के थ्रू आप मेडिकल फिजिकल फिट होने चाहिए, यानी कि जो डिजी शिपिंग डॉक्टर जो डिजी शिपिंग का जो रूल है उसके हिसाब से आप मेडिकल फिट होने चाहिए, ठीक है, और फिजिकली आप फिट होने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आईसाइट की जहाँ तक बात आती है, आईसाइट डिपेंड करता है कोर्सेज के ऊपर में। तो अगर आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर रहे हो, ETO कर रहे हो, GME कर रहे हो तो उस कोर्सेज के हिसाब से आपका आईसाइट प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है आपका कोर्सेज के ऊपर में एंड डिपेंड करता है आप डिजी शिपिंग के अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा मेडिकल फिटनेस के रिक्वायरमेंट में। अगर मैं बात करूँ सीट्स की तो DNS के ओनली 80 सीट्स है एक बैच के अंदर में। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फी की तो आपको एप्लीकेशन फी 750 रुपीज़ भरनी पड़ती है। दूसरे नंबर पर मैं आप लोगों को सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ कि जो कैंडिडेट को मान लो अगर आपने 10th किया है, 10th के बाद अगर आपका 12th में गैप हो गया है तो यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा है कि अगर आपको 10th और 12th में गैप है, अगर आप चेंज कर देते हो बोर्ड, मान लो कि अगर आपने 10th CBSE बोर्ड से किया है और आपने बीच में अगर आपने चलकर गैप ले लिया, उसके बाद अगर आप बोर्ड चेंज कर देते हो, मान लो कि किसी स्टेट बोर्ड से करते हो या फिर अपने NIOS बोर्ड से करते हो या फिर और किसी भी आप बोर्ड से करते हो, ओपन बोर्ड से करते हो, वो स्टूडेंट लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाला है। अगर आपने बोर्ड चेंज किया है तो आप गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपने गैप नहीं है तब अगर बोर्ड चेंज किया तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आप बोर्ड यहाँ पे जितना से जितना कम चेंज करोगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग होते हैं जो कि बोर्ड चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कैंडिडेट लोग जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए हैं 12th में जिसका मार्क्स कम आया था, या फिर वो स्टूडेंट लोग जिसको कंपार्टमेंट लग गया किसी एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का, उन्होंने एग्जाम दिया है, तो अगर उन लोग सोचते हैं कि मैं बोर्ड चेंज कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपके एडमिशन के चांसेस ना के बराबर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप कर जाए कैंडिडेट टू चेक दे एलिजिबल टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो एडमिशन लेने के लिए तो आपको जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे मेंशन किया है वो भी आपको प्रॉपर होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, एज वेल एज आपके पास जो आपने फॉर्म भरा है उसमें सही सही होना चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आप लोगों को बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं लास्ट यही कहूँगा कि आपका जितना से इतना कम एज है उतनी आपके पास चांसेस ज़्यादा है एडमिशन के, एंड आपके अगर ज़्यादा एज हो चुके हैं, चाहे आप GME कोर्स करना चाहते हो, ETO कोर्स करना चाहते हो, DNS करना चाहते हो, कुछ भी कोर्सेज करना चाहते हो, अगर आपका एज ज़्यादा है तो एडमिशन की चांसेस बहुत कम है।
अब मैं आप लोग को बता दूं जीपी रेटिंग के बारे में। तो फ्रेंड जीपी रेटिंग यहाँ तीन पार्ट में होता है, पहला होता है डेक साइड के लिए, दूसरा होता है इंजन साइड के लिए और तीसरा होता है सैलून साइड के लिए। ठीक है, तीनों का फीस जो है वो इक्वल है, आप किसी भी साइड से कोर्स कर सकते हो। सैलून साइड से करोगे तो आप सैलून डिपार्टमेंट जाओगे, इंजन साइड से करोगे तो आप इंजन डिपार्टमेंट जाओगे और डेक साइड से करोगे तो आप डेक डिपार्टमेंट में जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को जैसे कि आप लोग को हर कोर्सेज के ऊपर मैं प्रोस्पेक्टस का लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में। तो अगर आपको जो भी कोर्स करना है ग्रेट एंशिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज से, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक पीडीएफ खुलेगा, वहां पे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मिला लेना कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उस कॉलेज में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। फ्रेंड्स एडमिशन प्रोसीजर में सिंपल सा, आप ग्रेट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी के अंदर में जाके उसकी वेबसाइट पे जाके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। वो फॉर्म की प्राइस जो होती है वो 750 रुपीज फॉर्म की प्राइस होती है। आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, तो फ्रेंड्स मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद आपको मेल पे एक यूजर आईडी और आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, मेल पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपका एक एग्जामिनेशन का डेट मिल जाता है कि इस डेट में आपको एग्जामिनेशन देना है। मान लो कि वो आपको विद इन 10 डेज का वो आपको पास टाइम देगा। मान लो कि अगर आपने 1 तारीख को फॉर्म भरा है या फिर आपने जब भी फॉर्म भरा है तो वो एक टाइम ड्यूरेशन आता है, उस टाइम में आप लोग को एग्जाम देने होंगे। जैसे कि मान लो कॉलेज जो है वो आपको डेट देंगे कि मान लो कि आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। तो आपको सिंपली सा एक ऑनलाइन एग्जाम देना है। तो मैं आप लोग को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो इंग्लिश के होते हैं, उसके बाद से लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, उसके बाद फिजिक्स हो गए और उसके बाद से एप्टीट्यूड हो गए, केमिस्ट्री हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और साइकोमेट्रिक टेस्ट का। तो यहाँ पे जो आप कोर्सेज करते हो तो इस कोर्सेज के लिए आपको जो ऑनलाइन एग्जाम सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई में जो कटअप होता है वो 38 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के। तो यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो मैंने आपको प्रोस्पेक्टस डाल दिया उसके नीचे आराम से कटअप पढ़ सकते हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अब मैं एग्जाम का रिव्यू बताता हूँ कि जो स्टूडेंट लोगों ने ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी का एग्जाम दिया था उस लोगों का रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है। ठीक है, तो उन लोगों का ये कहना था कि ना तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ होता है, ना तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता है। इसको क्वेश्चन आप कह सकते हो कि एवरेज एक मिडिल क्लास टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आपने सपोज कि अगर आपने 12th ढंग से पढ़ा है तब भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है इसमें, इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप किसी अदर कॉलेज में जाते हो तो इतने क्वेश्चन की लेवल थोड़ी नहीं होती है, बट इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल होता है। और खास के जो क्वेश्चन का लेवल होता है, स्टूडेंट लोग का जो कहना था कि भाई जो फिजिक्स में थोड़े ज्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में भी जो फॉर्मूला बेस में न्यूमेरिकल ज्यादा थोड़ा होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूला वगैरह पूछे जाते हैं, और सभी जो स्टैटिक्स वगैरह के थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं और सभी क्वेश्चन रहते हैं। एज अगर जनरल रीजनिंग की बात मैं बताता हूँ, जनरल रीजनिंग यहाँ का बहुत ही आसान होता है, आप इसको आराम से निकाल सकते हो, जनरल एप्टीट्यूड इसको कहते हैं आप लोग। ठीक है, जस्ट लाइक मैं आप लोग को बता दूँ कि यार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यार आप जनरल एप्टीट्यूड में आप लोग को पूछे जाएंगे यार गूगल का आइकन किस तरीके का होता है, या फिर आपसे पूछे जाएंगे किसी किसी कंट्री का करेंसी वगैरह पूछे जाएंगे, उसके बाद से पूछे जाएंगे कि यार इस कंट्री का कैपिटल कौन है, दिन आप लोग पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत ओलंपिक के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आपसे जो जनरल एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है जनरल एप्टीट्यूड का। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स का, तो फोन बनने लगे कहा था कि यार फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही काफी टफ था। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़े बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी इसका एग्जाम देने के लिए, तो आप एक एग्जाम को ना तो बहुत ही ज्यादा टफ कह सकते हो, ना तो बहुत ही ज्यादा इजी कह सकते हो। ठीक है, एग्जाम का लेवल है अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अगर आपने कटअप क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने सब, तो मैं आप लोगों को सिंपल से बता रहा था कि अगर आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद क्या होगा कि आप 45 मिनट यानी कि 1 आवर अप्रॉक्स समझ सकते हो, 1 आवर से लेकर 2 आवर के अंदर में आप लोगों को रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया। और आपका अगर कटअप में नाम आ जाता है, मान लो कि जो कटअप निकलता है उस हिसाब से, अगर मान लो कि जैसे कि मान लो इंग्लिश में 38 मार्क्स है या फिर मान लो 32 मार्क्स है कटअप क्वालिफाई करने के लिए, तो अगर आपने मान लो सपोज करो फिजिक्स का एग्जाम दिया, केमिस्ट्री का पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट आपका जो एग्जामिनेशन आपने दिया, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रखा गया है। तो अगर मान लो अगर आपने फिजिक्स क्वालिफाई कर लिया, केमिस्ट्री क्वालिफाई कर लिया, अगर आप मैथ में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप डिसक्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक है, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में जो उसका कटअप होगा उसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसका जो एक लिमिट होगा कि भाई इतने मार्क्स के नीचे नहीं आना चाहिए, इतने मार्क्स के आपको ऊपर आना है, 32 मार्क्स 38 मार्क्स वो कटअप वो डिपेंड करता है ईयर पे। ठीक है, इस हिसाब से आपको रखना है, इस हिसाब से फिर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपको मेल आएगा। ठीक है, जैसे ही आप कटअप क्वालिफाई करते हो वैसे ही आपको फिर मेल आएगा। ठीक है, मेल के लिए वेट करो, मेल आएगा, मेल पे आपको फिर बताया जाएगा आगे का प्रोसीजर क्या है।
फिर वो मेल पे आप लोग को बताया जाएगा कि यार इंटरव्यू के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, इस डेट में आपको इंटरव्यू बोला जाएगा, यार इस डेट में आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी तो फिलहाल क्या हो रहा है कि आप लोग इंटरव्यू आराम से दे सकते हो, घर पे बैठ के आप लैपटॉप से या फिर मोबाइल फोन से आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता था यार, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो अभी हो रहा था, बंदे लोग जो घर से एग्जामिनेशन दे रहे थे, आप लोग का जो एग्जामिनेशन था, तो यार यहाँ पे क्या क्या कुछ कुछ स्टूडेंट लोग जो सोचते चलाकी करते हैं कि यार मैं थोड़ा बहुत चीट्स कर लूँगा, गूगल पे सर्च करते हैं क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो मैंने देखा है स्टूडेंट लोग का जो रिव्यू है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे एक वेब कैमरा ऑन हुआ था लैपटॉप का, या फिर अगर आपने मोबाइल से ही दिया तो मोबाइल से तो पॉसिबल बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि नेटवर्किंग प्रॉब्लम आया था, ठीक है। अगर आपने लैपटॉप से दिया तो आपका वहाँ पे वेब कैमरा ऑन हो जाएगा और आप जब तक एग्ज़ाम देते रहोगे तब तक आपका पूरा रिकॉर्डिंग होता रहेगा एग्जामिनेशन का। अगर एक स्टूडेंट था जिसने ऐसा किया था, एग्जामिनेशन दिया था बट उसने क्या किया था कि वो जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे आया, ठीक है, और आपने जाकर मोबाइल फोन निकाला और फिर आपने गूगल पे सर्च किया, तो वो पूरा रिकॉर्ड होता रहता है। फिर वो आपको मेल कर देगा कॉलेज की, भाई आपने चीट किया था, इस वजह से हम आपको एक चांस, लास्ट चांस आपको और दे रहे हैं, नहीं तो अगर आपने नहीं किया था फिर मैं आपको, अगर आपने चीट किया नेक्स्ट टाइम फिर से तो मैं आप लोगों को ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वो कॉलेज आपको बोलेंगे फिर से आप नेक्स्ट बार एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ये समझ लो कि अगर आपने चीट किया ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम में तो यार इसमें आपका लॉस है, ठीक है। फिर आपको इंटरव्यू का डेट मिलेगा कि इस डेट में आपको इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू आप अभी तो सबका इंटरव्यू जो होता है वो घर से ही हो रहा है, डायरेक्टली आप ऑनलाइन घर से दे सकते हो, तो कहीं भी आपको सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दोगे, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जैसे कि चार्ल्स हो गया, बाइक तो हो गया, बहुत पोर्ट्स के नाम वगैरह पूछे जाएंगे, थोड़े बहुत जो शिपिंग लाइन है, शिपिंग रूट्स है, जो थोड़े बहुत कंट्री की करेंसी वगैरह है, कंट्री की कैपिटल वगैरह है, वो सबसे ज़्यादा सर आपको क्वेश्चन आएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। उसके बाद कयाल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे, उसके बाद से सी रूट्स हो गया, तो करेंसी वगैरह ये सब चीज़ याद कर लेना आराम से, ठीक है। जो 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 फेमस करेंसी है, जो जो फेमस कंट्री है, उसकी कैपिटल वगैरह हो गई, तो वो सब चीज़ को आप लोगों को देना है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इंटरव्यू के बाद आपका फिर वो मेडिकल करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के आपका वो कॉलेज आपका मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल आपने क्वालिफाई कर लिया, देन आप उस कॉलेज में आप लोग आराम से जाकर सीट बुकिंग कर लो, अपना एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फिर आप अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी में आपने आराम से एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद फिर आपको कॉलेज बताएंगे कि यार इस डेट में ये कंपनी आ रही है, फिर उस कंपनी का फिर आपको फॉर्म भरवाएगी, हो सकता है फिर आपको वो एग्जाम दिलवाएगी, एग्जाम दिलवाने के थ्रू वो कंपनी का इंटरव्यू दिलवाएगी। अगर आपने क्रैक कर लिया तो वो आपको किसी न किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप दिलवा देगी। अगर आपने नहीं क्रैक किया, अगर आप किसी कंपनी में नहीं जा पाते तो लास्ट में ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी के पास खुद भी अपनी कंपनी है, तो ये ले खुद ही बच्चे लोगों को, खुद ही अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे लोगों को खुद अपनी कंपनी पे वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम आप लोगों को बता दिया ऑल ओवर सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी से रिलेटेड। अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में पूछा तो प्लेसमेंट के मामले में बहुत ही अच्छा कर रहा है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो वहाँ पढ़ते हैं उस लोगों को 100% जॉब मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है अगर आप ग्रेट ईस्टर्न से पढ़ते हो तो। अगर आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है तो आप आराम से कोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ फूड फैसिलिटी की, अगर मैं बात करूँ हॉस्टल फैसिलिटी की, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस के बारे में फुल एंड फाइनल रिव्यू के बारे में, तो मैं इसको रिव्यू में अच्छा ही कहूँगा कि कॉलेज बहुत ही अच्छा है। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आराम से एडमिशन ले सकते हो। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि यार मैंने, जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैं आप लोगों को हर कॉलेज में मैं पर्टिकुलर प्रॉपर वीडियो में बना के दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को हर कॉलेज में मैं आप लोग को एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड सारा का सारा, उस कॉलेज के रिलेटेड सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक वीडियो में बना के आप लोग को दे रहा हूँ। अगर आप लोग को किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी मन में डाउट्स है कि भाई इस कॉलेज में किस किस तरीके से मेरा एडमिशन होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आई बटन पे वीडियो सबको लिंक कर दूंगा। आप लोग को जिस भी कॉलेज से रिलेटेड मन में डाउट्स है कि यार इस कॉलेज में क्या फी है, किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या एलिमेंट्री क्राइटेरिया है, क्या प्लेसमेंट का चल रहा है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, मैं कॉलेज का जो अंदर की बात होती है डायरेक्टली कॉलेज में विजिट करके, कॉलेज का स्टूडेंट लोग से मैं पता करके और अपडेट आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, अपडेट इन्फॉर्मेशन ला के देता रहता हूँ आप लोग को मर्चेंट नेवी के सारे कॉलेजेस के ऊपर में, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो क्योंकि मैं आप लोग को इसी तरीके से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ला के देता रहता हूँ। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, have a nice day.